हेलो एवरीवन, वेलकम टू केटीएम ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में हम ऑटो कैड का एक्सरसाइज नंबर 42 कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो ये रहा आपके सामने, तो चलिए चालू करते हैं। इसको इतना भी रखते हैं क्योंकि हमको डायमेंशन इतने ही चाहिए। तो इस पोर्शन से हम स्टार्ट करने वाले हैं 98 वाले से। तो पहले लाइन लेंगे। अब आपको मैं जो कीज़ यूज़ कर तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस पोर्शन में पहले नहीं दिखता था। ओके, तो F8 प्रेस किया मैंने, इसको 98 वैल्यू दे दिया। चेयर इंटर एंड करके मैं जूम टू फिट कर लेता हूँ। देन यहाँ से 20 mm का एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। एंड यहाँ पे इसको मैं एंड कर दे रहा हूँ, इसको ट्रिम कर देता हूँ दोनों को। अगेन यहाँ से 100 mm का लाइन है, तो ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ से 100 mm ऑफसेट लेंगे, ऊपर करेंगे 100 mm। एंड इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से इसका कोई वैल्यू दिया होगा कि यहाँ से 66 mm, अगेन ऑफसेट यूज़ करेंगे, 66 mm एंटर। एंड यहाँ से इसको यहाँ पर कर देते हैं। देन यहाँ पे हमको 46 mm का एक स्क्वायर ड्रॉ करके रखना है, जो कि इस लाइन से मिलते थे 44/70 mm। ओके, तो इसको हम 70 कर देते हैं यहाँ से ऑफसेट। इसके बीच में एक लाइन खींचते हैं, एक्स्ट्रा लाइन पे ट्रिम करते हैं जिससे हमको इसका सेंटर मिले। एंड इसको 46 करते हैं ऑफसेट, 46/2 इससे इस से। इंटरनल लाइन डिलीट कर देते हैं, एफ एंटर, आर एंटर, ने वैल्यू 0 कर देते हैं, नहीं आई थिंक वैल्यू 10 है। ओके, तो एफ एंटर आर इंटू 10 का रेडियस ने यहाँ पे हर जगह फिलेट कर दे रहे हैं। वोटर गायब हो गया, तो गया। एंड ये 66/77, ये लाइन को मैं सही कनेक्ट कर देते हैं, इस लाइन को ट्रिम कर दे रहे हैं। एंड इसको भी फ्लैट दे देते हैं 10 का। हमारा पोर्शन यहाँ तक कम्प्लीट हो गया है, तो पहले यहाँ से इसको कम्प्लीट कर लेते हैं। इस साइड कितना वैल्यू है, ए वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है, 96 नहीं, यहाँ से कोई कनेक्टेड वैल्यू भी नहीं है। यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है और इसका भी पॉइंट नहीं दिया हुआ। क्या तो इसको यहाँ से हम ऑफसेट करेंगे 78.71.8 इसको ऑफसेट। ओके, 71.8, 71.8 ऐसे इस नया इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे। एंड इसका ना इस सेमी सर्कल है यहाँ पे, आप देखिएगा तो इस पॉइंट से सेमी सर्कल आएगा। बट ए वैल्यू ऐसे कितना आउट है वो भी अपने को नहीं दिया हुआ, वो ए वैल्यू चाहिए था 98 यहाँ पे, तो है जब यहाँ से कोई पैरेलल होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो फिलहाल हम इसको 12.5 mm ऑफसेट करते हैं इस वैल्यू को, हम डिलीट कर दे रहे हैं। एंड यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ से डायरेक्ट आउटपुट टू आउटपुट दिया, यहाँ से हम इसको 40 ऑफसेट कर ले रहे हैं फिलहाल। तो एंड इस पॉइंट टू, यहाँ से इस पॉइंट का वैल्यू नहीं है, यहाँ से 130 के एंगल पे 50 mm का लाइन मिल जाएगा हमको। ओके, तो इसको हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम 130 के एंगल पे शिफ्ट की से एरर प्रेस करेंगे, एंड
तो 50 का लाइन है, टैब 130 का एंगल है, एंड अगेन 120 30 का लाइन है, 30 mm, एंड एट द रेट टैब टेस्ट करेंगे तो 120 का एंगल है, ये एंगल डाउन साइड गया है, बट हमको इससे 120 चाहिए। ओके, इसे 70 हो रहा है, तो इसको हमको कितना रोटेट करना पड़ेगा, 20 माइनस 50, 50 mm और रोटेट करना पड़ेगा, तो इसको रोटेट कमांड लीजिए, इसको 50 mm, सॉरी आपको रीसेट करना पड़ेगा, रोटेट 50 mm, इसी सेट क्यों जा रहा है, RO TM रोटेट, तो अभी अगेन इसी साइड जा रहा है, पहले कुछ वैल्यू दे देते हैं, उसके बाद रोटेट करते हैं, हो गया 120, 29 अलाइन में देखेंगे तो 30 हो जाएगा। ओके, एंड फिर यहाँ पे ना 50 का एक सर्कल है, सेमी सर्कल, थ्री पॉइंट आर्क से ड्रॉ करना है, बट फिर भी यहाँ का वैल्यू तो नहीं दिया है, यहाँ से इतना दिया हुआ होना चाहिए था मेजरमेंट पे, तो इसी लाइन में हमें इसके पैरेलल ही पहले एक तो ऐसे कैसे कह सकते हैं, अपने 50 का हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ तक हमारा 30 हो गया है, लाइन खींचते हैं, अब सेम रेफरेंस पे 50 mm का एक लाइन खींचते हैं, इसके एंटी में 50 mm का एक और लाइन खींचते हैं, मेजरमेंट परफेक्ट नहीं मिला है उसकी, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये हो गया हमारा, लिहाजा 40.5 mm का एक और लाइन आएगा, एट डी एम एम पे 40.5 टैब 8 mm, ये हो गया हमारा, अब इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट के बीच में हमको एक सर्कल रखना है,
27.7 जैसा आ रहा है, नो इशू। अभी एक्स्ट्रा को हम ट्रिम कर दे रहे हैं पहले। तो ए हो गया। अब हम इसका रेफरेंस लेके 93.9 का ऑफसेट करते हैं। इस पॉइंट को हम यहाँ पे 0 कर दे रहे हैं एंड यहाँ से 40 एम के क्लाइन ले देते हैं। इस 40 इसको 0 कर दे रहे हैं। एक्स्ट्रा लाइन को हम रिमूव कर देते हैं। ई एंटर, ई एंटर। अब इसका ए वाला लाइन को रिमूव करना है। अब इसका एक सेंटर लेते हैं ऐसे। एंड इसको 10 mm का दोनों साइड ऑफसेट कर दे रहे हैं। एंड 5 and 10 का सर्कल है गाइस। तो इसको क्या एंड करना है, इसको इसके स्टैंड रख देना है। इस पर भी टेंशन इसको एडजस्ट करना है। फिर इसको सेंटर लाइन कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए मैं इस टूल को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ उस फोटो को। इसको यहाँ से लाइन लोड करता हूँ अदर। इसको दिखा रहा हूँ लोड। इसमें आ जाते हैं सेंटर लाइन। इसमें डॉट हिडन हर टाइप का को लाइन मिल जाएगी सेंटर का करके सेंटर लाइन। यह हमारा सेंटर लोड हो गया। ओके फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं बीच वाले को एंड यहाँ से सेंटर लाइन कर देते हैं। हो गया। हमको जो हैचेस देना है तो एच कमांड यूज करते हैं। ए एंड सेकेंड इसमें हैचेस टाइप में इसमें चले जाते हैं। बट हमारा ए लाइन भी भर जा रहा है क्यों ऐसा। ओके तो इसको एक्सटेंड करते हैं। ए लाइन है ना कनेक्टेड नहीं है इसे, उसके लिए ऐसा हो रहा है। फिर से ट्राई करते हैं सेकेंड इसमें जाके इसको प्रिपेयर कर दे। इसमें आपको गैपिंग बढ़ाना है तो वैसे बढ़ा सकते हैं एंड कम करना है तो ऐसे कर सकते हैं। एंगल ए लाइन अभी 45 के एंगल पे, अगर मैं चाहता हूँ सीधा हो जाता है ऐसे मैं 90 कर सकता हूँ। और 90 नहीं 45 के एंगल पे 45 करूँगा तो सीधा हो जाएगा एंड 0 कर दूँगा तो अभी 45 हो जाएगा। हैच की ट्रांसपेरेंसी आपको जितना रखना है उतना रख सकते हो, लाइट या फिर कम ज़्यादा। ओके हैज कम द लाइट अब देख के ओके क्लोज। तो वैसे हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।